तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे WHO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप और भी नॉलेजफुल और अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर देख सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और तो सीधे हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ बिना किसी और बकवास के। तो सबसे पहले तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके बाद ये जो WHO है, इसका मुख्य काम क्या है, ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड काम सारे जो हैं वो WHO के अंडर आ जाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड इज पार्ट ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। UN जो यूनाइटेड नेशंस है उसका एक ग्रुप है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, उस ग्रुप का ये WHO हिस्सा है। और इसका जो मेन बात अभी तक याद रखने वाली है वो है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, मेन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और WHO वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948, विच इज़ कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। और ये जो WHO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं इजीली, यानी कि WHO की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। और उसके बाद द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज टेड्रस एवेनम गैब्रियसिस, हु वाज अपॉइंटेड ऑन July 1st of 2017। तो जो इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रस एडेनम हैं, जो आप यहाँ पे नाम पढ़ भी सकते हैं इजीली, वैसे इजीली नहीं पढ़ सकते लेकिन पढ़ सकते हैं ये नाम आप, टेड्रस एडेनम जो इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे कैनेडियन फिजिशियन ब्रॉक चिशॉम, जो मेन नाम है उनका है ब्रॉक चिशॉम, वो सर्व फ्रॉम 1948 to 1953, जो 1948 से लेकर 1953 तक WHO के डायरेक्टर जनरल रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं वो हैं टेड्रस एडेनम, और जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे ब्रॉक चिशॉम, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि WHO के मेन फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले फंक्शन इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ कंडीशन। तो ये पब्लिक हेल्थ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि WHO का मेन काम है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, तो उस चीज़ के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे काम करती है, ताकि जो सभी देश मिलकर किसी बीमारी का इलाज ढूंढें। जैसे कि अभी हो भी रहा है कोरोना वायरस के मामले में, सभी देश उसी के पीछे लगे हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद असिस्टिंग कंट्रीज दैट सीक प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो अभी जो कंट्रीज़ पीछे हैं इस काम में, यानी कि जिनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, जिन कंट्रीज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, उन कंट्रीज़ को हेल्प करना भी WHO का काम है। इंक्रीजिंग एक्सेस टू एसेंशियल्स एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट्स। और इसका नेक्स्ट जो मेन काम है वो है कि हर देश तक हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट्स पहुंचने चाहिए। जैसे कि WHO कभी भी अगर किसी देश में, फॉर एग्जांपल अफ्रीका वगैरह में, काफ़ी दवाइयां वगैरह, काफ़ी मेडिकल प्रोडक्ट्स ये भेजता रहता है, तो इन चीज़ों को जो भी काम है मेन वो WHO के द्वारा ही किया जाता है। इट इनहेरिटेड स्पेसिफिक टास्क रिलेटिंग टू एपिडेमिक कंट्रोल, क्वारंटाइन मेजर्स एंड ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। क्वारंटाइन मेजर्स, अभी आपको पता ही होगा कि कोरोना में क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन कितना चल रहा है, तो ये सभी मेजर्स जो भी हैं ये WHO के द्वारा दी जाती हैं। जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि WHO ने ये ध्यान रखने के लिए कहा है, WHO ने ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस बताई हैं, तो वो सब चीज़ें जो भी करता है वो सिर्फ करता है WHO, ठीक है, हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक स्टेट है जो कोरोना वायरस की, वो बहुत ही ख़तरनाक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो मेन अचीवमेंट्स रही हैं वो हैं दी हु WHO हैज़ प्लेड अ लीडिंग रोल इन सेवरल पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स, मोस्ट नोटेबली दी इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। इसने अपना बहुत ही मेन रोल निभाया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने में, और नियर इरेडिकेशन यानी कि लगभग ख़त्म हो चुका है पोलियो को ख़त्म करने में, और इबोला वैक्सीन भी डेवलप जो किया गया है वो WHO ने उसमें अपना अहम योगदान निभाया है। और इसकी जो करेंट प्रायोरिटीज़ हैं वो हैं HIV AIDS, इबोला, मलेरिया
और टीबी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज सच एज हार्ट डिजीज एंड कैंसर, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, और इन सभी चीज़ों में अभी लेटेस्ट एडिशन हो जाएगी अभी ताज़ी, वो होगी कोरोना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी WHO के बारे में पता चल गया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और भी नॉलेजफुल वीडियोज़ पहुँचती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।